इंडियन ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल और भाई इंडियन ट्रैक्टर फेसबुक पेज की वीडियो देखने वाले सारे दर्शक भाई राम राम। आज आपको दिखाएंगे एक बेलारूस ट्रैक्टर तैयार किया हुआ और इसके बगल में ही खड़ा भाई एक फोर्ड 3000 ट्रैक्टर वो भी तैयार कर रखे हैं। दोनों ट्रैक्टर ओरिजिनल है, किसी प्रकार का इनमें कोई पार्ट बदला नहीं गया, केवल इनको रेनोवेट किया गया यानी कि दोबारा से मॉडिफाई किया गया है तो ट्रैक्टर एक बार दिखा दिया आपने भाई कितने ओरिजिनल हैं। ये देखो भाई, और यहाँ से देखना शुरू कर, देखो इन पे ना अगले साइड वेट लगे हुए हैं और बहुत सारे बंदे ये सोचते हैं कि प्लास्टिक का वेट ना हो, तो जेन्युइन वेट लगे हुए हैं भाई बिल्कुल। बेलारूस में फ्रंट वेट आपने बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। और यहाँ इस पर ना एक अपने तरीके से सरदार जी ने जो है भाई बम्फर लगवाया हुआ है, ये देख लो MTZ बेलारूस। और भाई दूसरी बात भी आपको बता दूं, ये ट्रैक्टर भाई एक हमारे बुजुर्ग मित्र अंकल जी, हम उनको बोल सकते हैं केवल सिंह के ट्रैक्टर हैं जो कि फिलहाल अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो ये 2 साल पहले ट्रैक्टर मैंने ही उनको दिलवाया था भाई, और अब उन्होंने मॉडिफाई वगैरह करवा रखे, तैयार करवा रखे पूरे। तो देखो जैसे किस तरह के पायदानी पे आते थे पहले, और पायदानों के ऊपर भी देखो भाई कवर लगा रखे इन्होंने। और ये दोनों साइड में ना आपको लोडर वाले जैक भी मिल जाएंगे, और ये देखो कितनी बड़ी बड़ी लाइटें इन्होंने लगवा रखी इसके ऊपर भाई, इट गार्ड्स वगैरह लगा के ना उसके ऊपर लगा रखी। और ये देखो कितनी हैवी लाइटें इन्होंने लगवा रखी है। और भाई ये देखो ये डिजाइन आपने पहली बार देखा हो शायद, जिसके ऊपर ना मतलब साइड मिरर लगा रखी है। ये देखो आप ऐसे भी घुमा सकते हो ऐसे भी, मतलब ये देखो मुरगाड के ऊपर अटैच है ये वाले पाइप है। ये देखो थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको, और भाई ये इंडिकेटर देखो भाई आप स्टील में बना के लगा रखे हैं इसके ऊपर दोनों साइड है, क्योंकि इसमें ना इसी टाइप के इंडिकेटर आते थे जैसे ये लगे हो ना ये वाले, ये इन्होंने छतरी पर लगा दिए, पहले ये मुरगाड पे लगे होते थे, मुरगाड पे इन्होंने अपने हैंडमेड बनवा के ना वो लगवा दिए, यहाँ के जो ओरिजिनल थे वो हटा के ऊपर छतरी पर लगा दिए। ये इसके पीछे की लाइटें वगैरह देखो, इन लाइटों की ये पहचान होती है, देखो इनके अंदर ना बीम होता है, बीम आपको नजर आ रहा होगा। और भाई ये ट्रैक्टर का नंबर भी आप देख सकते हो, जे जी गुजरात का नंबर है 93-04, इसका RC का नंबर है भाई। सारी प्लेटें वगैरह सब कुछ आप देख सको भाई, पूरी आपको सब मिलेंगी इसके ऊपर, 69 मॉडल है भाई ये ट्रैक्टर। और साथ में आपको पीछे से दिखा भी देता हूँ मैं खड़ा हुआ, फोर्ड 3000 भी इसके साथ में ही खड़ा है भाई। तो पहले इसी का कर लेते हैं पूरा रिव्यू, पीछे लिफ्टों में जैक वगैरह सब कुछ देखो, पूरा कलर वगैरह करवा के ना, और टायर बिल्कुल भाई नए हैं। ये देखो जो सुइयाँ होती है ना टायर के ऊपर ये दिख रही है बिल्कुल, अभी तक ये भी नहीं घिसी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि तैयार करवाने के बाद कितना चलाया होगा बंदे ने, बस शौक में तैयार कराया बंदा, कुत्तों अमेरिका बैठा है भाई, लेकिन ट्रैक्टर तैयार करके ना घर पे खड़े कर रखे। देखो इस पर बत्ती वगैरह लगवा रखी है, म्यूजिक सिस्टम लगवा रखे हैं, ये भी आपको दिख रहा है म्यूजिक सिस्टम आपने शायद किसी में देखने को मिला होगा। और ये देखो भाई इसमें ना पंखे वगैरह भी लगे हुए छोटे छोटे दो, और इस साइड से भी दिखा देता हूँ ट्रैक्टर में आपको, इधर भी इंडिकेटर है, ये ओरिजिनल वाला हो गया और ये बनवाया और जो है यहाँ पे लगवा रखे है, यहाँ पे शीशा देख लो भाई ये, और इसी तरह से इस साइड भी लाइट लगी हुई है भाई ये री, ठीक है, और एक इधर भी लगी हुई है, ये इधर की लुक देख लो भाई ट्रैक्टर की पूरी, ये पूरी लुक और ये इधर भी जैक वगैरह लगे हुए हैं भाई। मतलब इसकी ना फिलहाल में बैटरी डेड हो रखी थी, बैटरी उतार रखी नहीं, तो आपको ना ट्रैक्टर स्टार्ट करके भी दिखा देते हैं हम, और ट्रैक्टर के ऊपर का हिस्सा आपको फिर दिखा देंगे, पहले दिखा देते हैं आपको फोर्ड 3000, ये लो भाई फोर्ड 3000 देख लो तैयार किया हुआ। और अगले टायर देखो अलॉय व्हील डाल रखे हैं भाई, और छोटे छोटे टायर डाल रखे हैं, ये ट्रैक्टर थोड़ा चला रखे हैं खेत वगैरह में, पावर स्टीयरिंग कर रखा है इसको, अगला चूल्हे वगैरह बदल गए, और ये देखो लंबे पायदान कर रखे इसके स्टेट प्लेटफॉर्म करके भाई, और ये साइलेंसर वगैरह देख लो सब कुछ जेन्युइन है ट्रैक्टर का अब तक, ठीक है। और ये देखो इन बम्परों को अक्सर हम बोल देते हैं कि पंजाब स्टाइल के बम्पर, बिल्कुल ये देखो कितना प्यारा बम्पर है भाई, ठीक है देख लिया। और इंडिकेटर वगैरह भी नए मॉडल के लगा रखे हैं, और बराबर में बैठने के लिए भाई गार्ड लगा रखे, कहीं बैठे तो गिरे वगैरह ना, फाइबर छतरी, और फाइबर छतरी को अंदर से देखो भाई किस तरह से मॉडिफाई किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है भी नीचे अंदर फोर्ड 3000, और भाई इस पर LED वगैरह भी लगी हुई है, म्यूजिक सिस्टम भी लगे हुए हैं, और ये देखो भाई उनके ना फोटो लगे हुए हैं, ये कौन है
मामा जी के पोते हैं जी, पोते जो केवल सिंह है उनके हाँ, पोते। हाँ जी ये भाई जो हमारे अंकल जी जिनको हम बोल रहे थे ना अपने मित्र जो है उनका पोता है उनके बेटे का बेटा। ठीक है तो भाई ये देखो पूरा प्रोटेक्टर जबरदस्त तैयार कर रखा है भाई। ये देखो भाई इस पे ना MRF लिखा हुआ दिख रहा होगा टायरों के ऊपर आपको आधा घिसा, मतलब ये ट्रैक्टर चलाया तो है लेकिन इतना नहीं चला। अभी देखो निशान जो प्लस का निशान है टायर के ऊपर वैसे कैसे दिख रहा है देखो, ये MRF भी लिखा हुआ दिख रहा है ये देखो, तो मतलब बहुत ही कम चला ट्रैक्टर तो ये भी। और ये देखो दोनों साइड से चढ़ने की जगह नए मॉडल का बैटरी बॉक्स वगैरह मतलब ज़बरदस्त तैयार कर रखे ट्रैक्टर भी Ford 3000। तो भाई वीडियो अगर आपने अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिए भाई। ठीक है ये अंदर से देख लो Ford 3000 लिखा छतरी के अंदर, ये बेस ट्यूब वगैरह लगी हुई है और ये भाई बत्ती लगी हुई इस पर भी। तो चलो एक बार ना आपको अब दिखा देते हैं बेलर उसको ऊपर बैठ के। ये भाई देखो देख लो दोनों साइड दे, और ये देखो भाई सोफ़ा सीट होती इसमें। और ये देखो गन रखने के लिए स्टैंड जो होता है ना वो भी इसके ऊपर, ये ऐसे रख के इधर से लॉक हो जाती थी गन ऐसे। ठीक है और ये देखो भाई ऊपर से लुक देखो कैसी लग रही है। और ये देखो भाई सनरूफ जो ना जो इसकी बेलर उसकी छतरी इसके अंदर भी अंदर से ना फोम वगैरह कवर करवा रखी है सारी जैसे उसके अंदर करवा रखी है ना Ford 3000 में। ये लो भाई Ford 3000 की लुक देख लो यहाँ पे कितनी प्यारी लग रही है। ठीक है और ये बेलर उस देख लो सारा का सारा तैयार करा रखा है। अगर किसी किसान भाई को ट्रैक्टर चाहिए ना भाई तो मैं अंकल जी से पूछ के आपको बता सकता हूँ कि ट्रैक्टर सेल के लिए है कि नहीं है। बाकी आप देख लो ऊपर से भी ज़बरदस्त लग रहे दोनों ट्रैक्टर भाई। मैं एकदम अचानक से आ गया था इस साइड में तो इनको पता नहीं था, वरना तो इन्हें कहना बैटरी वगैरह चार्ज करके इनको वॉशिंग वॉशिंग करके फिर फुल वीडियो दिखाता आपको। और ये फ्रंट से दिखेंगे भी नहीं बाहर से क्योंकि ये ना बैक करके खड़े कर रखे हैं, मुँह इनका दीवार की साइड है और बैक पीछे की साइड है तो इसलिए वजह से, नहीं तो आपको ट्रैक्टर बहुत अच्छे लगते भाई। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद जय भारत। और भाई अगर आपने ट्रैक्टर खरीदने हैं तो मैं आपको टाइम टेबल बता दूँ, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप मेरे नंबर पर कॉल करके पता कर सको हो। और मेरा मोबाइल नंबर है 999-184-6140 999-184-6140। तो भाई बाकी ट्रैक्टर देख चारों टायर दोनों ट्रैक्टरों में नए टायर हैं बिल्कुल, और कलर पेंट करा रखे और इनके पेपर वगैरह RC वगैरह दोनों की हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको। और भाई ट्रैक्टर आपको दिला देंगे। तो ट्रैक्टर देखो बंदे के पास एक 65-22 ट्रैक्टर भी था, वो 2-3 दिन पहले इन्होंने बेच दिया। पहले ये मान लो खेती अपने ट्रैक्टर से ही करते, इन्होंने ज़मीन तो अपनी रेंट पर दे रखी है पिछले 4-5 सालों से, 18 साल दे दे रखी भाई ज़मीन उन्होंने रेंट पे। और ट्रैक्टर के शौकीन ने बस ऐसे ही लेके खड़े कर रखे थे शौक शौक में। तो भाई अगर उनका बेचने का मूड होगा तो आप लोगों को बता देंगे। बाकी ये दिखा दूँ मैं देखो बिलार उसके ना पिछले टायरों पे भी भाई वेट लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाई को नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद जय भारत।